नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर बठिंडा नेशनल हाईवे पर गांव उपली के नजदीक हुआ भीषण सड़क हादसा, 4 नौजवानों की हुई मौत। पंजाब के जेल मंत्री ने होशियारपुर के केंद्रीय जेल में स्थापित किए गए पेट्रोल पंप उजाला फ्यूल का किया लोकार्पण। अमृतसर के विजयनगर डाकखाने में चोरी करने आए चोरों ने तोड़े ताले, कैश ना होने के कारण बेरंग लौटे। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर बठिंडा नेशनल हाईवे पर स्थित गांव उपली के नजदीक गत रात्रि 11 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 4 नौजवान सवार होकर आ रहे थे, जिनकी स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ टक्कर हो गई, जिस कारण 3 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक को पटियाला रेफर किया गया था, उसने भी रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मिली जानकारी के मुताबिक स्कॉर्पियो गाड़ी बठिंडा की तरफ से आ रही थी और मोटरसाइकिल सवार नौजवान सर्विस रोड से मेन हाईवे पर जब चढ़ने लगे तो यह भीषण हादसा हो गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक नौजवान की बॉडी काफी दूर खेतों में जा मिली। मरने वाले नौजवानों की उम्र 20 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के बीच बताई जा रही है। मृतकों की पहचान गुरबाज सिंह, मुख्तियार सिंह दोनों निवासी गांव गुजरा, गुरदीप सिंह निवासी गांव कम्मो माजरा और अमनदीप सिंह निवासी गांव थूही नाभा के तौर पर हुई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ये फोन आया सी जी, एक गड्डी स्कॉर्पियो बिच बज गई बंदे, अजे उहदी पड़ताल चल रही है। दो दिन मौके की डैथ हो गई सी, एक नूं पटियाले रैफर करता सी, ते एक सवेरे अज पता लगे जो पुल तो बुड़क के थले नीचे डिगया हुआ सी, ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਵੇਰੇ ਚਕਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਇਹ? 29 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਾਕੀ 20 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ? 4 ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜੇ ਨੇ ਜੀ। 4 ਜਣੇ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਲਾੜਮਿਆਰੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਪਲੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਤਮ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਘਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ? ਘਰੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬਰਾਦਰ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਜੀ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਇਹ ਪੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜੀ। जेल मंत्री पंजाब हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब की जेलों को अब असल मायनों में सुधार घर बनाया जा रहा है, जहां कैदियों के पुनर्वास को लेकर विशेष योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है और काफी हद तक पंजाब सरकार इसमें सफल भी हुई है। केंद्रीय जेल होशियारपुर की जमीन पर पंजाब जेल विकास बोर्ड व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ओर से लगाए गए पेट्रोल पंप उजाला फ्यूल का लोकार्पण करने के दौरान जेल मंत्री पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ विधायक श्याम चौरासी डॉक्टर रवजोत सिंह, विधायक उड़मुड़ जसबीर सिंह राजागिल, एडीजीपी जेल बी चंद्रशेखर, डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, एसएसपी सरताज सिंह चाहल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी प्रमुख व स्टेट हेड जतेंद्र कुमार व मुख्य महाप्रबंधक पीयूष मित्तल भी मौजूद थे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब की जेलों में कैदियों के पुनर्वास को लेकर अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें LED बल्ब बनाए जा रहे हैं और पेपर व बेकरी उत्पाद के अलावा अन्य कई प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय जेल सुप्रीडेंट अनुराग कुमार आजाद, SDM प्रीत इंदर सिंह बैंस, डिप्टी सुप्रीडेंट अमृतपाल सिंह, आम आदमी पार्टी के जिला सचिव व पार्षद जसपाल सिंह के अलावा अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। होशियारपुर जिले के बीच ये पंप खोला गया, ये जेल महकमे वालों तीजा पंप है इंडियन ऑयल की पार्टनरशिप के नाल, ते दो पंप साडे होर तैयार ने, ते इस तों बाद तकरीबन 6 पंप होर, उन्हां दी भी जिहड़ी जगह की गल इंडियन ऑयल चल रही है। रोपड़ दे विच सितंबर शुरुआत की गई सी, जिहदा बहुत वधिया नतीजा आया। लुधियाणे दे विच खोलिया गया, तो तीजा अज्जे लोकार्पण कर दिता गया। इन्हां पंपां दी खासियत यह है कि जिथे पंप जेल की जमीन च बने आ, उत्थे इत्थे जिहड़े तेल पाणगे उह साडे कैदी होणगे। जेलां दे बाहर सुधार कर लिखिया हुंदा, पर जेलां नूं सही मायने सुधार कर बनाउण दे लई
साडा यह फर्ज़ बनता है कि असी जिहड़े चंगे आचरण वाले कैदी है उन्हां नूं ऑपरचुनिटी देईए, उन्हां नूं मौका देईए कि मुड़ आम धारा च आ सकन। 4800 मोबाइल फोन असी रिकवर किए ने धुंद कारण। पिछले हफ्ते तो जेलों के जो थ्रो का सिलसिला होर बहुत गुणा वध्या, ताई मैक्सिमम रिकवरी हुई है। कल्ले मोबाइल नहीं सिटते जी, वो ड्रग्स भी सिटते हैं, वो बीड़िया के पैकेट भी सिटते हैं। क्योंकि जेलों शहर के आ चुकी हैं, सारिया जेलों ऑलमोस्ट तुसी कोई भी जेल ले लो सारिया शहर के आ गई, चाहे लुधियाना है, चाहे अमृतसर है, चाहे हुशियारपुर है, चाहे नाभा है, चाहे फरीदकोट है, चाहे फिरोजपुर है, ये सारिया शहर के जेलों ने जी। तो वो एक चलता है बहुत हमेशा असं फड़ते भी हैं। पंजाब में आए दिन लूटपाट की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताज़ा मामला अमृतसर के विजयनगर डाकखाना में सामने आया है, जहां चोरों द्वारा डाकखाने में चोरी करने आए और डाकखाने के ताले तक तोड़ दिए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डाकखाने के अंदर किसी भी तरह की चोरी नहीं हुई। जब इस संबंधी डाकखाने के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गत रात्रि डाकखाने में कुछ चोर चोरी की नीयत से आए थे, जिनके द्वारा डाकखाने के ताले भी तोड़े गए, लेकिन खाने में कैश ना होने के कारण चोर बेरंग ही वापस चले गए। उन्होंने बताया कि रोजाना ही डाकखाने का कैश बैंक में जमा करवाया जाता है, जिस कारण डाकखाने में कैश नहीं था। इसके अलावा डाकखाने का सारा सामान सुरक्षित है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मनिंदर कौर पता नहीं सानू पब्लिक ने सवेरे दस्या, सवेरे फोन आया कि लॉक टूटे हुए हैं। असं आके देखा तो सच में लॉक टूटे हुए सी, शटर अद्धा उपर होया सी। शटर दे अंदर कोई सीसीटीवी वगैरह लगी थी? नहीं, अंदर सीसीटीवी वगैरह कोई नहीं। नहीं ते अंदर जो आया कोई नुकसान वगैरह? नुकसान कोई नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोलन की कोशिश की है, ड्रॉल चेक किए हैं, बट कुछ लभा नहीं। कैश इतने होंगे नहीं है, कैश अभी डेली भेजते हैं। इन्होंने सानू इतों फोन आया से, तो मैं सामने रहना बैंक ऑफ इंडिया परली गली च बटार रोड से, तो साडे इंस्पैक्टर साहब ने मैंने फोन किया कि विजयनगर से डाकखाने चोरी हुई है तो उत्थे पहुँचो। तो फिर असं आए ही इतने, क्योंकि इंस्पैक्टर साहब साढ़े आए ही, उन्होंने फिर अपना समान समून चैक किया सारा, पासबुक वगैरह, ATM वगैरह और अपना चैकबुक सारिया ठीक है, रिकॉर्ड वगैरह देखा ठीक है। बाकी उन्होंने दरवाजा दरवाजा के देखिया, उन्होंने कैश कुछ लभ्या को कैश है नहीं, कैश डाकखाने होंदा नहीं, हैड ऑफिस चल जाता रोज शाम। बीती रात को कोई अनपछाते व्यक्तियों ने इतने डाकखाने के ताले तोड़े बारे जी, कोई नुकसान नहीं आया जी। अच्छा सर, किन्ने जने आए थे पता कुछ? दो जने हो सकते हैं जी, बाकी CCTV कैमरे जेडे ने वो अही चेक कर रहे हैं, चेक करके जी कोई सानू दसिया क्ल्यू लभ गया बंद कर। अच्छा, डाकखाना कि जगह का सर? विजयनगर जी, 4 नंबर गली। पंजाब में लूट की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जिसके चलते फिरोजपुर में भीड़ से भरे बाजार में एक महिला से दो मोटरसाइकिल सवार लुटेरे पर्स छीनकर फरार हो गए, जिसकी सूचना बाजार वालों ने पुलिस को दी। वहीं लूट की यह सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फिरोजपुर छावनी के थाना कैंट के SHO नवीन शर्मा पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। लूट का शिकार हुई महिला सुषमा सरदाना ने बताया कि वह थोड़ी देर पहले बैंक से आई थी और घर के नजदीक ही बाजार में कुछ सामान लेने गई थी कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरे पीछे से आए और उसका पर्स छीनकर फरार हो गए। महिला ने कहा कि उसने शोर मचाया लेकिन कोई भी लुटेरों के पीछे नहीं गया। उसके पर्स में 1.5 लाख रुपए की नकदी और जरूरी दस्तावेज थे। इस मौके पर SHO नवीन शर्मा ने कहा कि आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि लुटेरों को जल्द से जल्द काबू किया जा सके। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। ये बैंक के कोले ना पंजाब नेशनल बैंक है, तो लेडी जमा करवाना थी, पैसे 1.5 लाख रुपया बस स्नैच हो गया, पर उसी कैमरे चेक करके कार्रवाई कर रहे हैं। जो मुझे ध्यान देके सर शुरुआत के वक्त भी लगता भी कौन लोग थे? अमरूद लेके जा रही सी, पहले मैं बैंक गई सी, फिर मैं अमरूद लेके जा रही सी, जो मेरे पिछो आया मेरे हाथ विच पर्स पकड़िया होया सी, एवे एदे हाथ विच पा के उन्होंने एवे खिच के चले गए। मैं पैदल ਪਰਸ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪਰਸ ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ATM ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ,
ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਐਫ ਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗਈ ਪਰਸੋਂ ਗਈ ਸੀ ਬੈਂਕ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। जालंधर के माडल टाउन इलाके में एसीपी माडल टाउन रणधीर कुमार द्वारा नाकाबंदी के दौरान जिन लोगों ने अपनी गाड़ियों पर अनऑथराइज्ड वीआईपी स्टिकर लगाए हुए थे उनकी गाड़ियों से स्टिकर निकाले गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी माडल टाउन रणधीर कुमार ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी पर अनऑथराइज्ड वीआईपी स्टिकर लगा था जिसे नाकाबंदी के दौरान निकाला गया। उन्होंने बताया कि यह रेड और ब्लू कलर का स्टिकर पंजाब पुलिस का होता है जो कि अनऑथराइज्ड है जिसके चलते उसे निकाला गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ए आज एक गड्डी केएफसी मॉडल टाउन एरिया विच टोयोटा इनोवा सी जिस विच वीआईपी पार्किंग दा स्टिकर लगया सी ते रेड एंड ब्लू जो स्टिकर हुंदा है पुलिस दा वो भी अनऑथराइज्ड यूज पाया सी ते पुलिस पार्टी ने जाकर के वो जो वीआईपी स्टिकर अनऑथराइज्ड सीगा उसनु उतारया है। टेलीविजन शो बिग बॉस 16 के प्रतियोगी विकास मानकतला द्वारा एक एपिसोड में अन्य प्रतियोगी अर्चना गौतम के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी की घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर महाराष्ट्र के अधिकारियों मुंबई के पुलिस आयुक्त और शो की प्रोडक्शन कंपनियों को नोटिस देकर उनसे इस मामले में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 7 दिनों में देने को कहा है। जालंधर में तह बाजारी की टीम द्वारा शहर के अलग अलग बाजारों में कार्यवाही की गई। जिन लोगों ने अपनी दुकान के आगे सामान लगाए हुए थे कईयों के सामान उठाए गए और कईयों को चेतावनी दी गई। इस दौरान कई दुकानदारों ने तह बाजारी की टीम के साथ बहसबाजी भी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए तह बाजारी टीम के इंस्पेक्टर राकेश हंस ने बताया कि ट्रैफिक की समस्या को मद्देनजर रखते हुए यह कार्यवाही की गई है जिसके चलते जिन लोगों ने अपनी दुकान के बाहर सामान रखा था उनके सामान जब्त किए गए और कुछ को चेतावनी देकर समझाया गया है कि वे लोग आगे से इस तरह से सामान ना रखें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मानजो कमिश्नर जी के हुक्मों के मुताबिक अज असी रैनक बाजार शेखा बाजार मीना बाजार के कार्रवाई पाई जिन्हां दुकानदारों का समान अगे लग्या पिया सी समान असी चक्या भी है कई वार्निंग भी दी है। हाँ जी सांझा चाहिए जी बस सांझा चाहिए ट्रैफिक समस्या जी है। हाँ जी करनी कर नैक्सट टाइम जो आवेंगे सर ट्रैफिक पुलिस ने भी नाल लैके आना। मैसेज देना चाहते हो दुकानदारों को? जो मैसेज असं दुकानदारों को यही देना चाहते भी अपने अपने लिमिट के अंदर ही रहन समान अंदर रखन ज़्यादा बाहर ना लैके आन पब्लिक भी हरासमेंट होंगी है जी। इस तरह विदेश पहुंचते ही लड़कियों को भेड़ बकरियों की तरह एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया जाता है और हवस के शिकारियों के आगे इन्हें परोस दिया जाता है। पूरा दिन लड़कियों से काम लिया जाता है और रात होते ही लड़कियों को फिर से तैयार करके शेखों और लोगों के पास हवस मिटाने के लिए भेज दिया जाता है और सुबह उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और खाने में जानवरों का मीट दिया जाता है। जो लड़कियाँ उनका कहना नहीं मानती उनके साथ मारपीट की जाती है। 1.5 महीने पहले दुबई पहुंची लड़की ने वीडियो ईमेल भेजकर मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान से उसे पंजाब वापस लाने की गुहार लगाई है। उसने बताया कि किस तरह से लड़कियों के साथ वहां पर व्यवहार किया जाता है। तो वहीं पीड़ित लड़की के माता पिता ने डीएसपी सब डिवीजन फिलौर के पास पेश होकर एजेंट और उसके साथियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई है कि दुबई में फंसी उनकी लड़की को वापस लाया जाए क्योंकि वहां पर उसके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 28 तारीख नु साडी गुड़िया 11वें महीने दी गई है जी। हां जी ते ऐसे एजेंट ने अपने बच्चे ते लै के किराए ते ए रहंदी है भांडे मांजदी सी इना ना कोई मेलजोल हो गया राह च ता इस दे गल्ला बातां कर ला पे मेरा तोता ते मेरी गुड़िया वे असी इधर दा कहंदे चलो तुहाडी माता नु असी नगा देंदे आ बाहर। ठीक है जी 28 तारीख नु गई है 11वें महीने दी नु ਤਾਂ ਗੁਡੀਆ ਇਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਆ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਡੀਆ? ਇਹ ਜੀ ਡਵੇਜ ਚ ਛਾਰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਜੀ ਖਬਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਦਾਰਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਗੁਡੀਆ ਆ ਏਜੰਟ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰਾਇਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਰਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਗੁਡੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਗੁਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਓ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।
अमृतसर में पंजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की अगुवाई में एनआरआई सम्मेलन करवाया गया। इस मौके पर मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा प्रवासी भारतीयों की मुश्किलें सुनी गई। इस मौके पर मंत्री धालीवाल ने कहा कि एनआरआई भाइयों से संबंधित ज्यादा समस्याएं विवाह और जमीनी विवाद की हैं, जिन्हें हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही एनआरआई द्वारा कहा गया कि उनके जमीनी विवाद को लेकर काफी मामले हैं और उनके रिश्तेदारों द्वारा या जान पहचान के लोगों द्वारा ही उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। जिस पर बोलते हुए पंजाब कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वे एनआरआई भाइयों की हर समस्या का हल करने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि एनआरआई विंग पहले ही बनाए गए हैं और इस संबंधी और अधिकारी भी तैनात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनआरआई भाइयों की जमीन पर कब्जा करने का हक किसी को नहीं दिया जाएगा और जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। डिस्प्यूट साड़ी जमीन किसी ने हेरा फेरी ना सामभ ली सी, ओही बंदे हेरा फेरी ना अंदर भी हो गए बाहर भी हो गए कई कर करते कोई ना कोई लम्मा पाई रखते गल खत्म हुई। पैसे देंगे दे नहीं, मैं चलो थोड़ी नी वेज भी देिए, पैसे देंगे दे नहीं, झूठे बंदे खड़े कर देंगे आ, चैक कुछ देंगे आ, लिखा कुछ जाता करते कुछ आ, एग्रीमेंट कुछ लिखा आता बिचो मैनू पढ़ना नहीं आता, पंजाबी मैनू आँदी नहीं गई, वो जो है जी रजिस्ट्री कुछ लिख देंगे आ, एग्रीमेंट कुछ हों, पैसे कुछ देंगे आ, वह भी जो चैक देंगे वो चैक भी बाउंस हो जाते हैं, वो फिर सारे ये कहानियाँ पे। मैं तो अमेरिका मैं भी अमेरिका भी मैं अपना PR रिफ्यूज करके वापस पिंड अपने पिंड खैराबाद तहसील जरा अमृतसर रह रहा, इतने मैं क्यों आना पाया कि मेरे तो बाद जो पिंड हालात वेखे कहते विगड़ चुके ने, अपने ही परिवार के सरीका जिन्हों कहने अपने ही परिवार के जोड़े सखी भाईचारे ने पिंड के होर लोग ने NRI उत्ते जायदाद के उत्ते उन्हों बुरिया नज़र लगियाँ, वो इको जो मैं समझदा अपनी सोच के मुताबिक सर्ब रोग का औखद नाम, ये सारे जो बीमारियाँ ज लगियाँ जो हकार ने आदा एक कानून बना दे कि किसी भी NIR की चुक तो अचुक जिन्हों चल तो अचल जायदाद कहते हैं, वो कोई भी उस जायदाद के उत्ते मालिक नहीं बन सकता। बेसिक प्रॉब्लम यह है कि NRIs जोड़े ने जो बाहर चले जाते हैं कई बार उन्होंने परिवार वाले या कई बार कई होर लोग उन्होंने जमीन दब लेंगे, कदे उन्होंने नाल फेक मैरिजेस का केस होंगे हैगा, इदा के सारे केसिस सॉल्व करन लई बजाय NRIs बार बार फ्लाइट लैके इंडिया आन ते साडे ऑफिसेस तक आन, असी सोचिया कि असी NRIs तक जाने तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री साहब के विजन नू पूरा करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमृतसर ने साडे माननीय DC सर की अगुवाई में NRI मिलनी द इवेंट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में करवाया है। सरदार भगवान सिंह मान जी के दिशा निर्देशों के उत्ते जिहड़े NRI सम्मेलन शुरू किए थे अज जो लास्ट अमृतसर हो रहा, हुणे 2 मिनट बाद असी उहनूं शुरू करांगे। सो सानू बहुत वधिया रिस्पोंस मिलिया पंजाब दे विच, असी 16 दसंबर नूं जलंधर तो शुरू किया सीगा, जलंधर मोहाली लुधियाणा मोगा ते अज अमृतसर दे विच कर रहे। ये पहली बार इदां होया कि किसे सरकार ने NRIs दे कोल आप जाके पहुँच की गया, वो दसो तुहाडे मसले की है, क्योंकि आम तौर पर NRI बेचारे बाहर बैठे होंगे है, उन्हों का कोई भैन भरा कोई चाचे का पुत कोई ताए का पुत इत्थे हुंदा है, तो उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम आती है कि किदा DC नूं मिलना जी, किदा SSP नूं मिलना, कित्थे जाके मिलांगे, कोई मिलता नहीं मिलता। सो असी इन सम्मेलनों के अज जिदा 4 जिले आ साडे कोल, गुरदासपुर अमृतसर तरन तारण ते पठानकोट, चारे SSP चारे DC साहबान उत्तों के अफसर साहबान अज सामने बैठे होणगे, और जिहड़ा मसला पठानकोट का होगा पठानकोट के DC साहब की उसे ड्यूटी लगेगी, जिहड़ा अमृतसर का होगा वह अमृतसर की ड्यूटी लगेगी। सो ये नवा एक जिहड़ा असी प्रोग्राम शुरू किया, इहनूं बहुत जबरदस्त जिहड़ा रिस्पोंस मिलिया, और हुण तक साडे कोल 525 केस आए पूरे पंजाब दे विच्चों, अज वाले केस वक्रे होणगे, वह शाम नूं मैं तुहानूं दसूंगा,
525 आ गए पिछले चवा जो सारे चार प्रोग्राम से नहीं कानूनी कार्रवाई भी करा इतने बहुत सारे केस तकसीमा के केस है जिदा वो जिन्ना चर तकसीम नहीं होंगी कहते तेन पहले इधों नहीं देनी इधों नहीं देनी वो भी एक सिस्टम वधिया करा कि NRI भरावान का जरा तकसीम वाला मामला 6 महीने का लड़के 10-15 दिन हो जाए तो अगला अपनी जमीन जो बेचनी है तो रखनी है तो एक पासे कर ले बस। जालंधर के विधानसभा सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा की ओर से पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन जालंधर के एक निजी पैलेस में किया गया, जिसमें विधायक रमन अरोड़ा द्वारा बढ़ रही लूटपाट की वारदातों और नशे की रोकथाम के लिए पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर ACP सेंट्रल निर्मल सिंह, थाना नंबर 4 के SHO मुकेश कुमार, थाना नंबर 2 के SHO गुरप्रीत सिंह, थाना 4 के इंचार्ज वरिंद्र कुमार सहित पुलिस कर्मचारी व बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पता लगता है डेथ हो गई, ओवरडोज हो गई, तकलीफ उदो शुरू हो गई। इस समाज है, समाज के विच हर तरह के लोगों ने बसना इतने, यह ध्यान रखना। जे तुम अज इस चीज को अखा बंद कर रहे हो ना तो तुम अपने बच्चों के नाल नजायज कर रहे हो। अज जे तुम देखते भी सामना बच्चा नशा करता पाया और जो कोई बेचता पाया कि चलो वेचन दो साडा की लैंदा नहीं, ये तुहाडे आने वाले बच्चों के उत्ते तुम उन्हां नाल धोखा कर रहे हो, क्योंकि नशे का कोई पता नहीं कदों किसी नूं लग जाना, किसी ने धक्के ना दे देना, प्यार ना दे देना, संगत च बैठे किसी ने देता, फिर असीं अपना बच्चा खो बैठे। पंजाब पुलिस की 6 महीने की कार्यगुजारी को देखते हुए पुलिस और पब्लिक मीटिंग राज्य भर में की जा रही है ताकि पब्लिक और पुलिस का तालमेल अच्छा बना रहे, जिसके तहत नाभा सब डिवीजन में DSP दविंदर अत्री और सभी थानों के SHO के साथ पब्लिक मीटिंग की गई, जिसमें DSP द्वारा 6 महीनों की कार्यगुजारी पब्लिक के सामने रखी और उनकी कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला। तो वहीं लोगों ने कहा कि आप सरकार बनने के बाद नशे पर बहुत ज्यादा काबू पाया गया है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। आज एक वक्री जी पब्लिक डीलिंग जड़ी आ पिंडां दे शहरां दे साडे मोहतबर सरपंच पंच आम भाईचारा उन्होंने अज सदर थाना विखे गुरप्रीत पिंडर साहब की जिहड़ी निगरानी जिथे इंतजाम करके मीटिंग की गई आ, जिहदा मुख उद्देश यही है भी जो सरकार बनन तो बाद की उन्हां दा लेखा जोखा जो जिदा हर डिपार्टमेंट का लेखा जोखा कर रहे हैं, तो साडा भी जो पंजाब पुलिस ने हुण तक की, क्योंकि पुलिस की मेन ड्यूटी ही लोगों की जान ते माल की राखी करना है, इस दे संबंध में जो पुलिस ने 6 महीनों में काम किए वो असी पब्लिक नूं दस्या, जो साढ़े अच्छे काम किए वो असी सारा उन्होंने अपना, चाहे वह मर्डर अनट्रेस मर्डर से चोरिया से जे NDPS ज होर रिकवरियां कीतियां ने उन्होंने उन्होंने बारे दस्सो। बहुत खुशी की गल है भी ये पहली बारी प्रशासन के लोगों के जो मीटिंग हुई है, क्योंकि जो लोगों की समस्या आदियां ने वो इत्थे बह के आपां जे दसांगे तां ही हल होणगीआं। तां असीं नाभे दे जो खास करके DSP साहब ते समुचे प्रशासन दा ते खास करके साडे MLA साहब दा बहुत धन्नवाद करदे हां कि उन्हां दी रहनमई विच नाभे दे विच बहुत सुखावां पहलां उत्थे। अज तों जां पिछली सरकारां दी आपां गल करीए तां आपां सारां नूं पता आपां इत्थों रहण वाले आ कि इत्थे बहुत ज़्यादा नशा छुट्टे, खास करके चिट्टे दा। ते जदों दी सरकार आई है ते खास करके नाभे दे DSP सरदार दविंदर सिंह जत्री इत्थे आए ने, उस तों लै के उत्थे बिल्कुल ही जिहड़े वेदे ने इत्थों छड्ड के भज चुके आ। दुनिया भर में जहां साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं फरीदकोट के बाबा नामदेव गुरुद्वारा साहिब में भी सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया गया, जिसके चलते हजारों की संख्या में संगतों ने गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं पंथ प्रसिद्ध कीर्तनी जत्था भाई राजवीर सिंह और फरीदकोट के कीर्तनी जत्था भाई करतार सिंह द्वारा कीर्तन कर संगतों को निहाल किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान हरदेव सिंह और प्रबंधकी कमेटी ने रागी सिंह और गुरुद्वारा साहिब के सेवादारों को सिरोपा साहिब डालकर सम्मानित भी किया। समागम के अंत में इंद्रजीत सिंह खालसा द्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा बताए गए उपदेशों पर चलने के लिए संगतों से अपील की। अंत में गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। लाख खुशी आप पादशाहियां जे सतगुरु नदर करे, नेमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन सी कदे होए दे अनुसार
अज धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश दिहाड़ा है जो कि गुरद्वारा साहब बाबा नामदेव विखे संगत सहयोग न मनाया गया जिसके संबंध में परसों भी रोज तो श्री अखंड पाठ साहब रंग सिंह अज उन्होंने भोग पाए गए भोग तो उपरंत भाई साहब भाई राजदीप सिंह मोगे वाले ने कीर्तन किया उस तो उपरंत तो भाई साहब भाई करतार सिंह ने कीर्तन किया सारी संगत वालों बहुत सहयोग दिता गया सुखमी साड़ी बीबिया गुरद्वारा बाबा नामदेव जो कि सेवा कर रही हैं उन्होंने वालों बहुत सहयोग दिता है प्रबंधक कमेटी वालों गुरद्वारा बाबा नाम जी वालों सारी संगत को गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश दिहाड़े की लख लख बधाई देवी। सरस्वती हेल्थ क्लब जंडियाला गुरु की ओर से ओलिव गार्डन में पावर लिफ्टिंग मुकाबले करवाए गए। इस अवसर पर सरस्वती हेल्थ क्लब के संचालक वरिंद्र सूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में पहली बार नेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबले राव की ओर से ओलिव गार्डन जंडियाला गुरु में करवाए गए हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, बाबा बकाला क्षेत्र से विधायक दलबीर सिंह टंग, विधायक डॉक्टर जसबीर सिंह संधू और सोलर एसोसिएशन के प्रधान सुरजीत सिंह कंग ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान वरिंदर सूरी ने बताया कि नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए ही यह कार्य लोगों के सहयोग से किया गया है। उन्होंने कहा कि इस नेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबले में 18-19 प्रांतों से 200 से अधिक लड़के और लड़कियां खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवान नशे को छोड़कर खेलों में भाग लें और इससे वे अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें। वहीं विजेता रहे खिलाड़ियों को नकद इनाम के अलावा मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं इस अवसर पर इंडिया वाइस प्रधान दिलबाग सिंह, मुख्य आरती सुरजीत सिंह, बलदेव सिंह बोदेवाल, कुलविंदर सिंह मांगट, विक्की लाडी पहलवान, सेंट सोल्जर इलीट कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर मंगल सिंह किशनपुरी, पूर्व जेईई नरेंद्र सिंह, विशाल शर्मा, ओंकार सिंह कंडा, डीएसपी कुलदीप सिंह, बलदेव सिंह, कवलवीर सिंह और मनी कंडा के अलावा सैकड़ों दर्शक मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की। पंजाब दे विच पहली बारी एक छोटी जी शहर जंडियाला गुरु दे विच राव पावरलिफ्ट इंडिया वालों चैंपियनशिप करवाई गई है। इस विच जिहड़े खिडारी आ इह घट्ट तों घट्ट 18-19 स्टेटां तों खिडारियों ने भाग लिता जी। हाँ जी, इस विच लड़के भी आ ते लड़कियां भी पार्टिसिपेट किया। मैं ये कहना चाहुंदा कि लड़कियां ने भी इस बार बहुत ज़्यादा वध चढ़ के हिस्सा लिया। मुख्य मेहमान साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार हरभजन सिंह ईटीओ साहब, तो उन्होंने नाल सरदार दलबीर सिंह टोंग MLA हलका बबकाला, उन्होंने नाल जसबीर सिंह संधू साहब MLA अमृतसर तो। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व पूरे देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं पटना साहिब की धरती पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु नतमस्तक हुए। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी की, तो सुबह से ही संगते गुरु घर में नतमस्तक होकर अपनी हाजिरी लगा रही थी और पवित्र सरोवर में स्नान कर अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझ रहे थे। तो वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सुबह जलोस साहिब सजाए गए और देर रात रहरास के पाठ के भोग के बाद सुंदर आतिशबाजी भी की गई। तो वहीं इस आतिशबाजी को देखने के लिए दूर दूर से आई संगतों ने अपने आप को सौभाग्यशाली समझा और कहा कि हम सबको गुरु के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की जरूरत है। वहीं संगतों ने कहा कि उन्होंने इस तरह का नजारा जिंदगी में कभी नहीं देखा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अज प्रकाश पुरब महाराज का सारी मनुखता असं बधाई देना चाहते हैं। अज इन्हों दिन कोविड का बड़ा वड्डा प्रकोप है, पूरी दुनिया से छाया होया है और US ते कैनेडा जी बर्फबारी हो रही है, जिस कि दुनिया जी है वो संकट में है। भारत उत्तरी भारत में भी बहुत कड़ाके की सर्दी है और परमात्मा के अगर यह अरदास करी कि भी सारी मनुखता के उपर अपना मेहर भरिया हथ रखे। अज प्रकाश पुरब भी है महाराज का, असी उन्होंने बड़ा महान तीर्थ स्थान है, असं इतने आए थे दर्शन करने लिए साहिब परिवार और आतिशबाजी भी हुई है अज और सारा प्रबंध जरा बड़ा बहुत अच्छा सी। हालांकि मौसम थोड़ा जहा अच्छ खराब है। बहुत वधिया लगे जी। मैं रमिंदर जोत बेदी मेरा नाम है, मैं अज ही आस्ट्रेलिया तो इतने अमृतसर पहुँचा सी, बहुत खुशी हुई वाहेगुरु अगे अरदास की सब की चढ़ती कला की, तो मन जरा इन्ना खुश होया इतने पहुँच के कि मैं तुम दस नहीं सकता। तो सारे गुरपुरब दिया बहुत बहुत बधाई।
मैं जी सारे की चढ़ती कला ली, सिख कौम की चढ़ती कला ली, और देख के मन बहुत खुश होया। सर बहुत अच्छा सजा है, मतलब काफ़ी हद तक मतलब देखा हर जगह डेकोरेशन वगैरह किए, दिए वगैरह जलाए बहुत सारे, चारों तरफ दियो ही दियो की जोत जली हुई थी, पर बहुत अच्छा सजाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगा उसको। गोराया की रहने वाली गुरप्रीत कौर के पारिवारिक सदस्यों की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर गुरप्रीत कौर के पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को दुबई भेजने के लिए फाइल लगाई थी। एजेंट चमकौर सिंह के साथ फोन के माध्यम से उनकी बातचीत हुई थी और उसकी पत्नी जुलाई 2022 में दुबई चली गई थी, लेकिन एजेंट ने ना तो उसे कोई नौकरी दिलवाई और ना ही उसकी किसी भी तरह की सहायता की, जबकि एजेंट इस समय दुबई में ही रह रहा है और वहीं पर ही काम करता है। इसलिए उन्होंने दोषी एजेंट के खिलाफ कार्यवाही करने और उसकी पत्नी को वापस लाने की मांग की है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नवजोत वीर जी, मेरी हेलो, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम गुरप्रीत कौर है, इंडिया पंजाब की मैं रहने वाली हाँ, जिला जलंधर, तहसील पलौर, पिंड गुड़े। जिहड़ा इंसान मैनू इत्थे दुबई दे विच फसा के चला गया है, 13,000 दराम वह मैनू वेच के चला गया, तकरीबन इंडिया का 3,00,000 तो भी उपर बनता है। हुण तुसीं ये देखो, गरीब घर की मैं हैगी हाँ, मेरी फैमिली ने कितों पैसा दे देना इन्ना, नहीं साढ़े तो इन्नी गुंजाइश नहीं हैगी भी असीं इन्ना पैसा दे दीए। जिहड़ा इंसान मैनू इत्थे कंपनी दे विच फसा के चला गया है और वेच के चला गया है, पैसे लैके चला गया है, वह उदा एड्रैस मैं तुहानू फोरन देन लगी हाँ और उन्हों फोरन सज़ा दिती जावे। जिला जलंधर है, तहसील शाहकोट आ, पिंड उहदा बामणिया है, फादर का नाम हैगा प्रीतम सिंह, तो उस इंसान का एजेंट का नाम है चमकौर सिंह, उहदा नाम हैगा चमकौर सिंह। मैं चाहुंदी हाँ भी उन्हों फोरन सज़ा दिती जावे। हाँ जी, असं इतने आए हैं जी प्रेस थोड़े को, मेरे घर वाली गुरप्रीत दुबई बच्चे फसाती चमकौर सिंह ने। चमकौर सिंह जानते हैं जी, घट बामणिया का टूरिस्ट वीजा लाया महीने का। हाँ जी, हाँ जी, काम तो कहता जी, मैं कहता घर से लवा दूंगा जी, 25,000-30,000 रुपये की सैलरी होगी जी। अभी थोड़े को आए हैं जी, मेरे घर वाली गुरप्रीत वो दुबई फसाती जी चमकौर सिंह ने जी। बिलकुल बहुत गरीब है, मैं पैसे दे नहीं सकता। हाँ जी, तो मैं सरकार को यही मांग करता भी उन्हें जल्दी जल्दी अपने बच्चों च भेज दे बस। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। संगरूर बठिंडा नेशनल हाईवे पर गांव उपली के नजदीक हुआ भीषण सड़क हादसा, 4 नौजवानों की हुई मौत। पंजाब के जेल मंत्री ने होशियारपुर के केंद्रीय जेल में स्थापित किए गए पेट्रोल पंप उजाला फ्यूल का किया लोकार्पण। अमृतसर के विजयनगर डाकखाने में चोरी करने आए चोरों ने तोड़े ताले, कैश ना होने के कारण बेरंग लौटे। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।